तरस तिश्की न मांग न चाहे पहचान का दान, साथ चलना है जरूर, अकेला सफर भी मंजूर। ये चाकुलिया प्रखंड के दुबराज गांव की वार्ड मेंबर सब वन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष बसंती हाजदा के नेतृत्व में साधारण आदिवासी महिलाएं साल जंगल की रक्षा के लिए असाधारण काम कर रही हैं। इनकी जागरूकता से पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे इलाके में 78 हेक्टेयर में फैले राखा पहाड़ पर साल का जंगल लहलहा रहा है। जंगल रक्षा के क्षेत्र में महिलाएं एक मिसाल बन गई हैं। आज से 15 साल पूर्व यह जंगल अवैध कटाई से वीरान सा हो गया था, मगर आज स्थिति यह है कि पहाड़ साल के वृक्षों से लहलहा रहा है। इस जंगल में मोर, खरगोश, गिलहरी समेत कई वन्य प्राणी भी निवास करने लगे हैं। बता दें कि 15 साल पूर्व बसंती हाजदा को दुबराजपुर वन सुरक्षा समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। समिति में अनेक महिलाएं भी शामिल हुई। इन महिलाओं ने राखा पहाड़ पर प्राकृतिक साल जंगल को बचाने की ठान ली और इस कार्य में जुट भी गई। महिलाओं ने अलग अलग टोली बनाकर पहाड़ पर पहरेदारी शुरू कर दी। बसंती हाजदा समेत अन्य महिलाएं हाथ में तीर धनुष और कटारी लेकर इस जंगल में आज भी पहरा देती हैं। महिलाओं ने कई जगहों पर वृक्ष न काटने का बोर्ड भी लगाया है। वहीं अगर कोई कच्चा वृक्ष काटते पकड़ा गया तो उसे जुर्माना वसूल कर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इन महिलाओं के पहरेदारी और कड़े कानून के कारण इस जंगल में किसी को वृक्ष काटने की हिम्मत नहीं होती है। सबसे खास बात यह है कि पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे इस इलाके के पहाड़ों और जंगलों में ना तो वृक्ष की कटाई होती है और ना ही अवैध खनन, जिससे रानी पहाड़ के वृक्ष सुरक्षित हैं। हम लोग जब से वन रक्षा समिति गठन किए हैं तब से हम लोग हर दिन जंगल में ड्यूटी करते हैं और जो कटता है उन लोग को मिलने से हम लोग जुर्माना भी करते हैं। राजपुर जंगल 88 हेक्टर है तो हम लोग ऐसे रोज ड्यूटी करते हैं, साल जंगल को सुरक्षित रखे हैं और रखेंगे, ये हम लोग का वादा है। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।